कौन आ रहा है यार तेरे? कौन है? कटी मारा है। हाँ तो नीरज पंत जाने वाला है उसके साथ में। चल सेंटिनल उधर से आ रहा होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, दूर से दिखाना पड़ेगा तो ठीक है, आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग उसके साथ मिलाता हूँ। पहले मैं मेरा कुछ थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं उतना ज्यादा ब्लॉग भी बना पाऊँ या ना पाऊँ वो भी पता है। लोग को हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नीरज पंत। तो आज होने वाला है जबरदस्त ब्लॉग। जिधर मैं काम करता हूँ आज गल्फ कोस्ट में आने वाला है CSK टीम का क्रिकेट प्लेयर लोग, तो आप लोग को मैं उन लोग के साथ मिला पाऊँ या ना पाऊँ वो तो मेरे को पता नहीं। तो वो लोग आ रहा है यही गल्फ कोस्ट में गोल्फ खेलने के लिए, आज आएगा 6-7 लोग। तो ये हो गया मेरा पोंचिंग, थैंक यू हो गया। तो गाइज मैंने पोंचिंग करके आ गया, तो अभी मेरा वो लोग आ रहा है टैम नाइन में आ रहा है। तो मैं हमारा तो अभी ड्यूटी आप लोग को पता ही होगा, 10:36 में इधर आना पड़ेगा। तो हम लोग अभी पोंचिंग करके इधर मेरा कार लाने का और प्लेयर लोग का गोल्फ सेट लाके उधर कार में रखने का वो ड्यूटी है। पहले मैं मेरा थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं उतना ज़्यादा ब्लॉग भी बना पाऊँ या ना पाऊँ वो भी पता नहीं। लोग को मैं बताता हूँ, देखिए ये मेरा काम, ये अभी ये बग्गी वग्गी लाने का वैसे कार साफ करने का वो करना पड़ेगा मुझको थोड़ा, तो मैं अभी मेरा काम करता हूँ। तो वो लोग अभी तो टाइम सिर्फ 6:10 हुआ है, 6:10 हुआ है, तो अभी वो लोग आने में बहुत टाइम है। गुड मॉर्निंग विनोद। दूसरा भी आ गया अब साहबले। कौन आ रहा है यार इधर? कौन है? कटी मारा है। हाँ तो नीरज पंत जाने वाला है उसके साथ में, आज मिला था उन लोग के साथ। तो गाइस अभी मैंने उन लोग के लिए कार वार रेडी करके आया, तो अभी मेरा दोस्त भी इधर बैठ रहा है, तो अभी भी आने के लिए उन लोग आने के लिए बहुत टाइम बाकी है, बहुत टाइम बोले तो 2 घंटा बाकी है, अभी 2 घंटे के बाद आएगा प्लेयर के लिए। वो 4 गाड़ी रेडी करके रखा है उधर वो बग्गी। अभी प्लेयर लोग आ चुका है, तो आप लोग को मैं मिलाता हूँ उन लोग के साथ बाद में। अभी इधर 4 घंटा रहने वाला है, तो आज 4 घंटा लगेगा, 4-5 घंटा लगेगा, 4-5 घंटा लगेगा खेलने के लिए। तो अभी वो लोग खेलने के लिए अंदर गया है, तो अभी मैं भी खेलने के लिए दूसरे के साथ अंदर गया हूँ, तो बाद में वो लोग बीच रास्ते में मिलेगा तो आप लोग को दिखाऊंगा मैं। चेन्नई सुपर किंग का एक था म्यूचुअल और 4 कोच था, वो लोग आया तो अभी खेलने गया है। चल सेंटिनल उधर से आ रहा होगा, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, दूर से दिखाना पड़ेगा तो ठीक है, आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग उसके साथ मिलाता हूँ। चल सर आ गया, वही है मैच है, शॉट मार रहा है। वो मैं चल वो है लेफ्टी। मैंने आप लोग को म्यूचुअल के साथ मिला दिया, अभी वो गोल्फ खेल रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब कर नहीं पाऊंगा, इसलिए दूर दूर से खींचना पड़ रहा है। उसका सिक्योरिटी भी उधर था, बाद में ख़त्म होने के बाद, उसका गेम खत्म होने के बाद ट्राई करेंगे कि नज़दीक से मिलाने के लिए आप लोग के साथ। खैर आप लोग को थोड़ा नज़दीक से मिलाने का लिए मन था मेरे को, तो अभी मेरा भी इधर फ्रंट लाइन में दूसरा फिर एक राउंड खेलने जा रहा है प्लेयर, तो वो लोग उधर गया मैं इधर आया, तो अभी उन लोग का ख़त्म होने के बाद वो लोग चले जाएगा, तो अभी मैं आप लोग को नज़दीक से मिला नहीं पाऊंगा।
तो गाइस आपको पता ही चला होगा कि मिचेल और उसका कोच कितना क्रेजी है गोल्फ में, इतना धूप में भी खेलने आ रहा है वो लोग। ऑलमोस्ट 39-40 डिग्री का धूप है, तो अभी उन लोग इतना धूप में भी खेलने आ रहा है, वो लोग बहुत क्रेजी है जैसा लग रहा है। अभी मेरा ख़त्म होने टाइम तक उन लोग का ख़त्म होकर वो लोग चले जाएगा। अभी मेरा आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा, मेरे को वैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।